आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज योर आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के कट ऑफ के बारे में। जो भी आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा राउंड टू की। तो बढ़ते, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी से। देखिए ग्रुप बी में कट ऑफ आपको पता है बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, सभी ग्रुप से जो हाई जाती है ग्रुप बी की ही जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस इंग्लिश की, ठीक है, तो अगर मैं इसमें इंग्लिश की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी गई है आपकी 40, जा सकती है इस बार, पहली बार तो ये 30 थी, ठीक है, राउंड वन में। तो एक चीज़ सुन लो, अगर किसी भी स्टूडेंट को 70 पे भी अलॉट हो गए तो ये ना बोले कि भैया मेरे को तो 70 पे हो चुकी है, ये आपको हो सकता है। मैंने बोला तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आपका राउंड वन में कहाँ तक अलॉट हो चुकी है, तो ये जो है वो बस एक्सपेक्टेड है, 50% इसकी एक्यूरेसी है। सेम इस तरीके से अगर बात करी जाए तो आउटसाइडर के लिए है 20, और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के लिए जा सकती है आपकी 280, और अगर आप आउटसाइडर तो आपकी जा सकती है 160। सेम इस तरीके से अगर आप एससी हो तो एससी के लिए आपकी जा सकते हैं 370, और सेम इस तरीके से अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी जा सकते हैं 250, और अगर आप एसटी हो तो एसटी के लिए जा सकते हैं 550, और अगर आप आउटसाइडर हो तो आउटसाइडर के लिए जा सकते हैं आपके 450। सेम इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट है आपका ये मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस इन हिंदी। तो हिंदी के लिए अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी जा सकते हैं 200, और अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी जा सकती है 90 के आसपास, नाइस। और अगर मैं आउटसाइडर के लिए बात करूँ, सॉरी ओबीसी के लिए दिल्ली से बात करूँ तो आपकी आ सकती है 400 के आसपास, और अगर आप आउटसाइडर हो तो आउटसाइडर के लिए आपकी जा सकती है 150। ओबीसी की सेम इस तरीके से अगर एससी की बात करी जाए तो आपकी 550, और अगर आउटसाइडर की बात करी जाए तो है आपका 270। सेम इस तरीके से अगर बात करी जाए एसटी की 750, और अगर आउटसाइडर की बात करी जाए तो आपकी 450, नाइस। अब हम बात करते हैं अपना ग्रुप सी के बारे में। तो ग्रुप सी फार्मेसी, तो देखिए फार्मेसी के बारे में अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो आपकी जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ 100। अब कोई बच्चा ये ना बोले कि मेरे तो 150 भी मुझे मिल गई, तो यस मिल सकता है, मैंने बोला तो इसकी एक्यूरेसी ओनली 50% है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपके प्रीवियस राउंड वन में कितने रैंक वालों तक कोई सीट अलॉट हुई है। तो ये चीज़ें आप गौर से सुन लें। सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी से। तो जनरल के लिए जिसकी 100 रैंक है उसको अलॉट हो सकती है, और इससे ज़्यादा है हल्की फुल्की तब भी हो सकती है। अगर आउटसाइडर की बात करी जाए तो आपके 65 है। ओबीसी के लिए बात करी जाए तो आपकी 250, और अगर आउटसाइडर की बात करी जाए तो आपकी है 180, ठीक है, और अगर एससी कैंडिडेट के लिए बात करी जाए तो आपकी है 350, और अगर आउटसाइडर की बात करी जाए तो आपकी है 250। एसटी कैंडिडेट की अगर बात करी जाए तो आपकी है 550, और अगर मैं आउटसाइडर की बात करूँ तो आपकी है 350, नाइस। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो ये हमारा था जो भी कट ऑफ था ग्रुप ए और बी का, तो ये चीज़ें मैंने ग्रुप बी और सी का, तो ये क्लियर हो गया। और ग्रुप डी के बारे में मैं देखता हूँ, अगर वीडियो बन सकती है तो मैं आप लोग को बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, और फाइनली आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ग्रुप बी और ग्रुप सी वालों को, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ है, मतलब एक ही कोर्स अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।